जी सलाम अलैकुम। जितने भी नया दिन के व्यूज के को गुड आफ्टरनून कह लो हमारी तरफ, मेरे ख्याल में आपकी तरफ गुड इवनिंग है। सो जैसे हमेशा की तरह मैं और बाबर मलिक, एज इन फहीम मलिक एंड बाबर मलिक, हमेशा प्रोग्राम करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए, तो आज स्पेशली मैं चाहूंगा कि बाबर के साथ अफजल शाहबुद्दीन साहब हैं, बड़े ही एक्सपीरियंस एक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूंगा कि बाबर आप इस प्रोग्राम को आगे लेके चलिए। शाहबुद्दीन साहब का इंट्रोडक्शन करवाइए और जो कुछ मेरे जेहन में सवाल आते आएंगे तो मैं भी उस पर करूंगा। तो आप प्लीज थोड़ा सा शाहबुद्दीन के साथ बात को आगे लेके चलिए। जी थैंक यू फहीम साहब। बिल्कुल जी, अफजल शहाबुद्दीन से मेरा जो ताल्लुक है वो तो बहुत अरसा हो गया, 10-12 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डोमेन्स में, मुख्तलिफ रोल्स में। अफजल जो है, इनकी एक्सपर्टीज जो है वो मार्केटिंग के अंदर है। ये ना खुद तो एक कॉर्पोरेट मार्केटिंग की तो इनकी बैकग्राउंड है ही, लेकिन पाकिस्तान के बड़े चंद उन प्रोफेशनल्स में से हैं जिन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। उनको उनको मार्केटिंग की सपोर्ट देने में, उनको मार्केटिंग की एडवाइजरी देने में, उनको अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने में, नए कस्टमर ढूंढने में, और ये कुछ प्राइवेटली भी एसएमईज के साथ काम करते रहे हैं और डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स पे भी ये काम करते भी रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और एक मुझे दूसरी इनसे वाकफियत इस लिहाज से भी है कि इन्होंने इवन जो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी ना किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनके साथ भी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने में, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी काम किया है। तो एक एक मार्केटिंग गुरु जो जो ना सिर्फ एक कॉर्पोरेट सेक्टर से, तो इनकी ऑब्वियसली एक पुरानी वाकफियत है, ग्रूमिंग का इनकी शादी कैरियर में वो हिस्सा रहा, लेकिन एक ऐसे एक्सपर्ट जो स्मॉल एंड मीडियम साइज की मार्केटिंग की जो ज़रूरियात है उनको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और उसको उनको बेतहाशा एसएमईज को हेल्प कर चुके हैं और चंद पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी ये काम कर चुके हैं। तो अफजल, ये तो मेरी और आपका एक ताल्लुक है क्योंकि हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों में इकट्ठे कोऑर्डिनेशन में काम किया, लेकिन आप भी प्लीज़ एक अपने इंट्रोडक्शन, एक जनरल ओवरऑल इंट्रोडक्शन दें और उसके साथ साथ हमें ज़रा अपनी जर्नी से भी गुजारिए कि कैसे आप जो है, आपका कैरियर का स्टार्ट एक कॉर्पोरेट के एक बड़े बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ आपने मार्केटिंग का काम किया और उसके बाद उसको चोट चढ़ा के आपने अपनी एक कंपनी बना ली और छोटे बिजनेसेस को हेल्प करना शुरू कर दी। तो ये जर्नी कैसे हुई और किस तरह आप ये ट्रांजिशन करते करते आज मेरी नज़र में एक एसएमई मार्केटिंग गुरु के तौर पे आप पाकिस्तान में हैं, तो बताइए ये कैसे रही है जर्नी और एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फहीम साहब एंड बाबर टू हैव मी ऑन द शो एंड अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन पाकिस्तान यूके एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स बाबर यस यू नो वी हैव वर्क टुगेदर इन मेनी डिफरेंट कैपेसिटीज टुगेदर इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन द शो एज वेल। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो ये कि स्टार्ट विथ माय एजुकेशन आई एक्चुअली ग्रेजुएट एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी इन कराची बट ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग आई हैड रियलाइज दैट यू नो माय हार्ट वाज इन द यू नो एरिया ऑफ मार्केटिंग एंड यू नो इंटरेक्टिंग विद द कंज्यूमर। तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद फिर आईबीए से एमबीए किया एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी लकी दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ नंबर ऑफ बिग ग्लोबल ब्रांड्स एंड बिग ऑर्गेनाइजेशंस। मेरे करियर के इनिशियल स्टेजेस में जो है वो मैं आई स्टार्टेड माय करियर विद फिलिप्स एंड फिलिप्स में कस्टमर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट से मैंने अपना जो करियर है उसका आगाज किया एंड देन आई स्पेंड सम टाइम विद द आगा खान हॉस्पिटल हियर इन कराची व्हिच इज वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड ओवर एंड इट्स वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो के बड़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से सरप्राइजिंगली मार्केटिंग को अप्रोच करती है एंड आई लर्न अ लॉट देयर। सो उस चीज के बाद देन माय फर्स्ट ब्रश विद द बिग बैड वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाज व्हेन आई जॉइंड कोका कोला। सो आई स्पेंट 5 इयर्स विद कोका कोला और वो बड़ा इवेंटफुल टाइम था बिकॉज कोका कोला कॉर्पोरेशन उससे पहले
it used to have these franchisee bottlers around Pakistan. So Coca-Cola ne decide kiya ke wo un franchisee bottlers ko take over karegi and it will kind of extend its own operation into the bottling side. And that time Coca-Cola Beverages Pakistan Limited was born. And I was lucky enough to be part of that team which actually launched Coca-Cola Beverages Pakistan in this country. Aur us dauran meri mukhtalif unit was a great exposure because it was a new organization, there was a lot of learning. So I think bahut learning jo thi wo hui wahan pe, it's one of the biggest brands in the world. Aur us zamane mein jo hai, it was a small team which was trying to, you know, to change things. So उस जमाने में मुझे बहुत सारे मुख्तलिफ रोल्स करने का मौका मिला एंड सडनली यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. मेरे ज्वाइन करने के 3 months के बाद कोकोला हैड एक्चुअली गॉन इनटू द स्पॉन्सरशिप ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप दैट हैपेंड इन पाकिस्तान एंड यू नो सडनली आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी. सो वहां मुख्तलिफ पोजीशंस पे मैंने काम किया. आई स्टार्टेड ऑफ एज अ फ्रेंचाइज मैनेजर व्हिच इज द इंटरफेस बिटवीन द bottlers and the parent company. Aur wahan se fir jab company ne take over kar liya plants ko, then I moved in different positions. I worked in marketing operation and very early in my career I got the opportunity to run an entire bottling plant on my own. So I was, you know, placed in Hyderabad and I was handling the entire operation. So that was a great learning opportunity very early, and you know, I got a general management experience very early in my career. वहां मैंने 5 साल काम किया एंड वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इन एवरी वे. उसके बाद फिर जो है देन आई मूव्ड ऑन एंड आई मूव्ड टू जिलेट. तो जिलेट मूव करने का मेरा जो मोटिवेशन था वो ये था कि कोकोकोला नो डाउट इट वाज अ ग्रेट ब्रांड, बट जिलेट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी थी कि इट हैड, इट वाज अ मल्टी ब्रांड कंपनी, सो इट हैड अ वेरी डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड. So it had Gillette blades and razors, Gillette toiletries, Oral-B oral care products, Duracell batteries, and Braun consumer durables. So it was a company, and it also had 7 o'clock blades. So it had products starting from 2 rupees till 10,000 rupees. So it was a very diverse range of products. And I got the opportunity to work in different functions over there. I worked in sales. I worked in trade and retail marketing. I worked in hardcore brand management. And my last position was as the business manager for the South Asian market, where I was handling a number of markets, which included Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives, Afghanistan. During that process, Gillette also got acquired by Procter & Gamble. So I was among the few senior people who moved on to P&G and remained with P&G. And that was a great learning experience in terms of, you know, the brand understanding. So I think there are not very many companies jo ke brands ko P&G se behtar samajhti. So wo ek brand building approach jo hai, usko refine karne ka mauka mila Procter & Gamble mein. और उसके बाद फिर जब लेट 2008-2009 में जो है जब टेलीकॉम का बूम आया, तो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द कंज्यूमर इंडस्ट्री वर मूविंग इनटू द न्यू कैटेगरी विच वाज द मोबाइल डिवाइसेस. सो आई मूव टू नोकिया एज द हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. और ये उस वक्त जो है वो नोकिया के ग्लोरी डेज थे, जिस जमाने में नोकिया हैड अ मार्केट शेयर ऑफ 78%. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस हैंडलिंग दैट ब्रांड. यू नो वेरी हम जो जिन जिन प्रोडक्ट्स को हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, टेलीकॉम जो है उसको आप वेरी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कह सकते हैं, बिकॉज लाइफ साइकल्स आर वेरी शॉर्ट, बिकॉज हर 6 महीने के बाद जो है वो आपका एक नया प्रोडक्ट आता है एंड यू नो प्रोडक्ट्स फेज इन एंड फेज आउट वेरी क्विकली. तो वो एक और बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. एंड उसमें जो है वो मौका मिला कि डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट्स को टारगेट करने का, फोकस करने का और उनके लिए प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप करने का और लॉन्च करने का, यू नो, बिकॉज मोबाइल फोन्स के, एवरीबडी यूजेस मोबाइल फोन्स, तो उसमें मार्केट को सेगमेंट करना
और उनके लिए प्रोडक्ट लाना, फॉर एग्जाम्पल यू गॉट यूथ, यूथ की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है. सो अंडरस्टैंडिंग द यूथ सेगमेंट, अंडरस्टैंडिंग द रूरल सेगमेंट, तो ये सारा ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड जी सो नोकिया वॉज योर लास्ट कॉर्पोरेट जॉब या उसके बाद भी कोई आप? नहीं, नोकिया वॉज माई लास्ट कॉर्पोरेट जॉब. और साथ साथ जो है स्टार्टअप कल्चर वॉज कमिंग अप एंड यू नो ये पूरी एक चेंज आ रहा था वर्ल्ड वाइड एंड इट वॉज यू नो क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि मुझे उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह इम्पैक्ट उसका नहीं हुआ था, लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो कलेप्स कर रहे थे. मैं बिफोर यू ट्रांजिशन इन टू योर जर्नी जहां से आपकी जिंदगी का एक दूसरा भरपूर चैप्टर शुरू हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेके हमारे व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने ये चार बहुत बड़े बड़े नामों के साथ काम किया, पाकिस्तान और इस रीजन की दूसरी मार्केट्स को भी आप हेड करते रहे. मार्केटिंग जो है ये फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों के लिए इसका डिफरेंट मतलब है. कोई मार्केटिंग को रिसर्च समझता है, कोई मार्केटिंग को समझता है कि वो एड देना शायद मार्केटिंग है. आप जरा प्लीज हमें पहले ये जो चार ब्रांड्स हैं इनके साथ इतना एक्सपेंसिवली जो आपने काम किया, ये भी बताइए कि वो मार्केटिंग के किस किस किस्म की मार्केटिंग होती है हमारे तक लोगों को समझ आ जाए, और फिर इन कंपनियों के हवाले से बताइए कि आपने उनमें से कौन कौन सी किस्म की मार्केटिंग जो है वो किस किस कंपनी के साथ की, ताकि उस फाउंडेशन पे फिर हम आपकी जो है ना एसएमई वाली सारी स्टोरी को आगे बिल्टअप कर सकें. जी काइंडली प्लीज गो ऑन. देखिए बाबर, एज यू आर यू नो वेल अवेयर के मार्केटिंग बेसिकली मतलब बड़ा सिंपल काम है कि आप एक अनमेट नीड को जो है वो मीट करते हैं. ठीक है, तो आपके कंज्यूमर की एक नीड है जिसको आप पूरा करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, वो करने के लिए जो है उसका एक प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है कि एक तो सबसे पहले ये है कि उस नीड को आइडेंटिफाई किया जाए. ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये देखना कि ये नीड किसकी है. सो हु इज योर कंज्यूमर एक्चुअली. सो यू नो ये आई थिंक एक बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस है कि इसके अंदर जो है ना कि यू हैव टू यू नो आपका कस्टमर फोकस, कंज्यूमर फोकस जो है वो ठीक होना चाहिए कि आप सही बंदे के पास प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं अपनी. ठीक है ना, एंड देन आई थिंक जो एक चीज जिसको बहुत सारी कंपनी अंडर एस्टिमेट करती है बट यू नो विद ब्रांड्स लाइक दीज वहां पे इस पर फोकस होता है कि दैट यू हैव अ स्ट्रेटेजी इन प्लेस दैट यू नो व्हाट डू यू वांट टू डू, आप किस तरह से करेंगे. जी अफजल, जो आपने पहली दो बातें की कि नीड्स को आइडेंटिफाई करना और कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करना और सेग्रीगेट करना या उनकी सेगमेंटेशन करना, तो ये है ये मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू शायद ये काम ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाता है. Am I correct? मार्केट रिसर्च होती है और डिफरेंट टाइप की आप रिसर्च कर सकते हैं. यू नो यू गॉट क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है. मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि पीएनजी चूंकि इट्स अ ब्रांड फोकस्ड कंपनी, पीएनजी के अंदर एक प्रोसेस फॉलो होता है व्हिच इज कॉल्ड ब्रांड इमर्जन. उसमें यह होता है कि एज अ कस्टोडियन ऑफ द ब्रांड वी यूज टू गो एंड यू नो स्पेंड सम टाइम विद द टारगेट कंज्यूमर, उनके घर के अंदर कि उनका लाइफस्टाइल क्या है और मतलब उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे. दे वुड नॉट नो दैट यू नो हम एग्जैक्टली किस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यह कि हम सिर्फ उनके लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करते थे. तो देयर वुड बी यू नो ब्रांड मैनेजर्स हु वुड स्टे देयर यू नो एक्सटेंडेड पीरियड और आप उनके, जैसे मेरे पास जो एक प्रोडक्ट जो मैं देखता था वो ब्लेड्स एंड रेजर्स थी, तो यू नो यू अंडरस्टैंड क्या ये इसका यूजेज कैसे है, यूजेज पैटर्न क्या है. सो कंज्यूमर कोई हैबिट्स को और एटीट्यूड्स को और उसकी लाइफस्टाइल को समझना जो है ना वो बहुत जरूरी है, बिकॉज ओनली देन यू कैन एक्चुअली हैव अ प्रोडक्ट ऑफरिंग व्हिच विल यू नो अपील टू दैट कंज्यूमर. सो आई थिंक ये बहुत जरूरी है. मार्केट रिसर्च इज क्रिटिकल. आप ये बता रहे हैं कि जो रिसर्च है वो सिर्फ आमतौर पर हम लोगों का ख्याल ये होता है कि रिसर्च का मतलब ये है कि जी क्वेश्चनियर भरवा लो तो वो रिसर्च है. तो आप ये बता रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चनियर भरवाने वाली या 200 400 हजार सैंपल साइज वाली रिसर्च ही रिसर्च नहीं होती, बल्कि अक्सर आप एक किसी कंज्यूमर के साथ बैठ के डिस्कशन करके उसकी उसकी बिहेवियर को देख के भी बहुत सारी रिसर्च और डेटा गैदरिंग कर सकते हैं. इज दैट व्हाट यू सेइंग? या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स जस्ट वन ऑफ द टेक्निक. दूसरा आप For example, you go on market visits. So you go and visit the market. You see, you go to the stores. You see the interaction between the retailer and the consumer. What's happening?
रिटेलर कैसे चॉइस कर रहा है, सो वो अंडरस्टैंडिंग जो बहुत जरूरी है कि वो चॉइस कैसे हो रही है। सो वो मुख्तलिफ ये जो टच पॉइंट्स हैं कंज्यूमर टच पॉइंट्स, इनसे आपको मुख्तलिफ डेटा मिलता है, तो उसको सबको आपको कंबाइन करके फिर आप एक बिग पिक्चर जो है वो क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि आप कंज्यूमर्स को स्टडी करते हैं, बल्कि जिस दुकान के ऊपर वो जाके खरीदारी कर रहे होते हैं, उन डिटेल पॉइंट्स को, उन टच पॉइंट्स को भी जाके स्टडी करते हैं कि वहां जाके वो कैसे अपनी प्रोडक्ट की बाइंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, रिसर्च सिर्फ कंज्यूमर की नहीं होती, बल्कि आपके पूरी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, उनके साथ भी कर सकते हैं, उनके साथ भी होती है। बिकॉज दैट्स अ वेरी ट्रेड मार्केटिंग या रिटेल मार्केटिंग अब जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट बन के आ रही है। आप देखें कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है बड़े बड़े स्टोर्स खुल रहे हैं, सो देयर आर सेल्फ सर्विस स्टोर वेयर रिटेलर आपको सर्व नहीं करता, आप खुद करते हैं। सो यू गो टू द शेल्फ एंड यू डिसाइड ऑन योर ओन, तो वहां पे आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे कंज्यूमर को? सो यू नो योर पॉइंट ऑफ सेल कम्युनिकेशन, योर पैकेजिंग, दे ऑल हैव अ रोल। अच्छा, तो चले रिसर्च अब कर ली, हमें पता लग गया कि भाई कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, वो कैसे खरीदता है, क्यों खरीदता है, कैसे इस्तेमाल करता है, उसके बाद अगला स्टेप मार्केटिंग में क्या होता है, उसके बाद क्या करते हैं आप? देखिए उसके बाद आप ब्रीफली करते हैं आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग, आप फाइनलाइज करते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं लेके जाऊंगा इस कंज्यूमर के पास और इस प्राइस पॉइंट पे होगा, ठीक है ना। तो उस तरह से आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग तैयार हो गई, ठीक है। फिर आपने कहा कि इसको मैं उसके हाथों में कैसे पहुंचाऊंगा, ठीक है। सो यू सी दैट यू नो व्हाट चैनल्स विल यू यूज, ठीक है। आज से 10 साल पहले ऑनलाइन चैनल्स नहीं थे, ठीक है। यू गो टू अ स्टोर, एक मतलब आपके जो है वो गली मोहल्ले के कोने पे एक दुकान होती थी, वहां से आप खरीदते थे, ठीक है। नाउ द बिग स्टोर्स हैव कम, यू गो टू द स्टोर्स एंड यू बाय देयर। एंड अब जो जैसे ट्रेंड है कि ई कॉमर्स का या ऑनलाइन का, जो कि ये कोविड की वजह से और फास्ट ट्रैक हो गया है, तो यू आर सिटिंग ऑन योर मोबाइल फोन एंड यू आर सिलेक्टिंग। तो ये कैसे प्रोसेस होता है उसके, तो हर एक के अंदर वो सिलेक्शन प्रोसेस, बाइंग प्रोसेस कैसे होता है, दैट यू नीड टू बी क्लियर कि वो कंज्यूमर जर्नी कैसे आप मैप करेंगे। मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज और प्लान्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा हमें बताइए कि ये स्ट्रेटजीज और प्लान में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, किन किन चीजों पर गौर किया जाता है, किन किन चीजों पर फिक्र की जाती है। ठीक है, उसके अंदर आप ये देखते हैं सबसे पहले कि आप देखते हैं कि यार आपकी एक तो ऑपोजिट टारगेट कंज्यूमर आपने आइडेंटिफाई कर दिया, फिर आपने कहा यार प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या होगी, व्हाट डू यू वांट द प्रोडक्ट टू बी परसीव्ड एज बाय द कंज्यूमर, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन आर यू ऑफरिंग देम, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप ये कहते हैं इसके हाथों में कैसे पहुंचाऊंगा, सो व्हाट आर द चैनल्स दैट आई विल यूज, सो यू नो व्हाट्स योर, एक सबसे पहले प्राइसिंग, क्या आपकी प्राइसिंग क्या होगी, सो दैट्स योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ठीक है ना। फिर आप कहते हैं कि यार मेरी गो टू मार्केट या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या होगी, कि How does my product reach the consumer? ठीक है, उसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये कहते हैं कि हाउ डू आई मेक माई कंज्यूमर अवेयर दैट दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट, तो वहां पर आपका प्रमोशन आ जाती है, सो देन यू टॉक अबाउट द एडवर्टाइजिंग एंड एक्टिवेशन एंड ऑल दैट। सो तो ये सारा प्रोसेस होके फिर जो है ना वो ये तमाम को मिला के आपकी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे फिर आप एक मार्केटिंग मिक्स तैयार करते हैं, एक स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स उस प्रोडक्ट के लिए, एंड देन दैट्स व्हाट यू देन यू नो टेक टू द कंज्यूमर। सो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि रिसर्च करने के बाद, सबसे पहले ये पता करने के बाद कि कंज्यूमर को चाहिए क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटजी के अंदर आप ये सबसे ये डिसाइड करते हैं कि आप प्राइसिंग कैसे करेंगे, कीमत क्या होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए, किस्तों में होनी चाहिए या लमसम होनी चाहिए, एडवांस होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आप डिटरमिन करते हैं। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की आपने कहीं पे बात की थी, और आप फिर सेल के चैनल आइडेंटिफाई करते हैं और फिर एड ये देखते हैं कि हमने, इसी तरह ही है चीजें, आप बताइए जरा थोड़ा सा इसको मॉरल इसी तरह से, लेकिन ये कहते हैं जैसे प्राइसिंग आप कर रहे हैं, तो प्राइसिंग में ऑब्वियसली बहुत सारे कंसिडरेशन आ जाते हैं, बिकॉज देर विल बी इंटरनल कंसिडरेशन, देर विल बी एक्सटर्नल कंसिडरेशन, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जिसकी इस पर एक कॉम्पिटिशन है आपके पास, ठीक है, तो आप उससे बहुत, अगर आपकी प्रोडक्ट भी वैसे ही है, आपकी प्राइस के बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं हो सकती उससे, सो आपके लिए क्या वो वायबल है, ठीक है। देन आपके एक कॉस्ट है एंड देन यू वांट टू मेक अ प्रॉफिट, तो आप कितना मार्जिन रखेंगे, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंसिडरेशंस दोनों आती है,
ठीक है, फिर आप कितना ग्रो करना चाहते हैं उसको, प्राइसिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस प्रोडक्ट के अंदर। हर प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी अलग होती है। सो एक वो आप ये थोड़ा सा हम डिटेल मतलब जरा थोड़ा सा मतलब डेप्थ में जा रहे हैं, बट देन यू डू अ सेंसिटिविटी एनालिसिस दैट यू नो अगर मैं प्राइस को चेंज करूंगा तो मेरा डिमांड या मेरा वॉल्यूम जो कैसे इंपैक्ट होगा एंड व्हिच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा बात करें, एक तो ये हमारे होलसेलर होते हैं ना, थोक का साहब है वो, आप थोक मंडी में ले जाते हैं और वो, और एक ये मॉडर्न भी होते हैं ये जो गाड़ियों शाड़ियों में और अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो आपकी नजर में ये किस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉसिबल मॉडल्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि जो जिन 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 जिनको कोई ना कोई भी बिजनेस SME जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने डिजिटल की बात की थी, ऑनलाइन सेलिंग वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है, तो किस किस्म की ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन की अवेलेबल है, कोई भी कारोबार पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है तो किस किस तरीके से वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को लाइनअप कर सकता है? देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप यूज करते हैं अगेन वो आपकी क्योंकि जो प्रोडक्ट है आपकी उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि आप हाउ डू यू टेक इट टू द मार्केट, हाउ डू यू गो टू द मार्केट विद इट, व्हिच इज कॉल्ड द गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, जिसपे हम और आप काफी कैटेगरीज पे काम कर चुके हैं। तो उसके अंदर ये है कि आप ये देखते हैं उसको मैंने कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो उसके अंदर जो अगर आप उन कैटेगरीज की बात करें जो कि ज्यादा बड़ी कैटेगरी समझी जाती है पाकिस्तान में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ठीक है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में जनरली ये होता है कि यू हैव गॉट बिग डिस्ट्रीब्यूटर, यू हैव गॉट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू हैव गॉट रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, और उनके फिर जो है प्रेजेंस होती है पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ छोटे शहरों के अंदर, और वो अपने नेटवर्क के थ्रू जो है ना उन आउटलेट्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। सो दे रीच द रिटेल आउटलेट्स वेयर द कंज्यूमर इज लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट। तो ये एक सबसे जैसे कह रहे सबसे बेसिक मॉडल है जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है। इवन एग्री प्रोडक्ट जो है उसके अंदर भी आपको पता है मोर लेस यही सिस्टम काम करता है कि कंपनीज जो है वो रिटेलर्स को देती है और फिर वो आगे सेल करते हैं कुछ और। अच्छा इसमें दो चीजें होती है जी प्रेम साहब, आप बात करें, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी क्योंकि आप दो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं तो मैं तो मीडिया वाला बंदा हूँ और मैं सिर्फ व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ। बड़ी जबरदस्त बातें, ओबीसी डिटेल्स में शायद आप बात करते रहे तो घंटों ही बात करते रहेंगे। जो मैं समझना चाह रहा हूँ, जिस पे शायद मैं आना चाह रहा हूँ कि आपने जब अपनी कंसल्टेंसी शुरू की है, क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंट आप बता रहे हैं वो ज़्यादातर बड़े कॉर्पोरेट कंपनी की बता रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, दे हैव मनी टू स्पेंड, देर ऑलरेडी एस्टैब्लिश पीपल्स, ऑब्वियसली फिर आपने खुद अपना काम शुरू किया है तो ऑब्वियसली आप बड़े अपने क्लाइंट्स को भी डील करते हैं, जाहिर बात है बंदे को डॉलर्स भी चाहिए होते हैं कि अपनी लिविंग रन करे। तो वैसे आप क्या समझते हैं, जो मैं जिसके पे आना चाह रहा था कि जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, जो बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं यूके बेस्ड हूँ या जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं पूरे यूरोप में, कनाडा में आगे पीछे वो सब लोग हमें देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भाई हैं जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान में जाके कहीं ना कहीं कोई काम करें ताकि जिससे हमारे मुल्क को बेहतरी हो। लेकिन होता यह है कि यहाँ पे लोग मेहनत तो करते हैं यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें सेट हैं, आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम्स ही आपको आगे लेके चले जाते हैं। अगर आप बिजनेस में थोड़े से भी सेंसिबल हैं तो यू हैव अ वेरी डिसेंट रिटर्न एंड थिंग्स लाइक दिस। अच्छा अब सिचुएशन ये आ चुकी है, जो मुझे समझ है कि बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और मुझे हमेशा ही लगता है कि हमारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं अनफॉर्चुनेटली वो उन लोगों को जाके रीच करते हैं जिनकी ना तो कोई एक्सपर्टीज है किसी काम में, और ज़्यादातर या तो उनके रिश्तेदार हैं या किसी की अगर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो वो किसी एमपी के पास चला जाएगा, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, जिनको इन रियलिटी में एक्सपर्टी उनकी भी कोई नहीं होती, उनका सिर्फ काम है पॉलिटिक्स। सो मैं समझता हूँ कि ये बिग चीज़ है मेरी नज़र में, क्योंकि जितने भी मेरे व्यूज हैं कि आप जैसे लोग सामने आए जो हमारे लोगों को एक सही गाइडलाइन दे सके, ताकि अगर कोई बंदा भी यहाँ से जाके किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो ऐसे ही बेवकूफों की तरह आगे पीछे चक्कर ना लगाता रहे, आप जैसे एक्सपर्ट लोग आके बैठे हों जो उनको गाइड करें। और मेरे ख्याल में जो आपका अगला मेरे ख्याल में सवाल बाबर करने चाह रहा था कि जो आपने
जब अपना पर्सनल कंसल्टेशन शुरू किया है तो उसके बारे में बताएं, और थोड़ा सा बताएं कि वहाँ पे बड़े क्लाइंटल्स तो आपने मेखल में बाबर ने भी डेप्थ में बात कर ली, बल्कि और भी की जा सकती है, तो थोड़ा सा छोटे क्लाइंटल या मीडियम और स्मॉल के बारे में बताइएगा। जी नहीं बिल्कुल, और आपने बड़ा इसको इफेक्टिवली कैप्चर किया, और आई थिंक वो ट्रांजिशन बड़ा अच्छा वो किया है कि एक्चुअली जो आप कह रहे हैं मुझे भी एक्चुअली यही अपॉर्चुनिटी नजर आई थी, जिसकी वजह से मैंने ये एक्चुअली सेटअप किया। बिकॉज इन द लास्ट 3-4 ईयर्स जब मैं काम कर रहा था तो आई वॉज ऑल्सो यू नो हेल्पिंग अ फ्यू पीपल दैट आई न्यू, जो जिनको इस तरह की सपोर्ट की जरूरत थी, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक इनटू इट इट टर्नड आउट टू बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। I was alhamdulillah very lucky that you know मुझे मतलब कुछ बहुत अच्छी इस तरह की लोगों ने जो है वो कहा था you know we want you to help us professionally and you know तो वो मुझे एक transition करने में आसानी हो गई, तो then I you know then made the move, but वो opportunity जितना मैं सोचता था इस पे मैंने तकरीबन तो 2-3 साल 4 साल सोचा, and the more I thought about it I could see the opportunity bigger and bigger. बिकॉज जैसे मैं कनेक्ट करूँ तो पिछली बात से, क्योंकि साथ साथ जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स भी वर्ल्ड वाइड कलेप्स कर रहे थे, तो जो मेरा उस वक्त जो थॉट था ना वो ये था कि वी विल, और वो अभी भी उसी तरह से हम काम कर रहे हैं, दैट वी विल सर्व बोथ द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द SME और स्मॉल बिजनेस सेक्टर, क्योंकि स्मॉल बिजनेस को जो है वो जैसे आपने बजा फरमाया कि उसको कैपेबिलिटी का इशू है, तो उसको वो पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती, तो उसको थोड़ी हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, एंड पाकिस्तान का SME सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, सिमिलरली बाहर से लोग बहुत आके यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट्स के अंदर भी स्ट्रक्चर कलेप्स कर रहे हैं, सो वहां पर कैपेसिटी के इशूज है, एंड दे आर लुकिंग फॉर कंपनीज हु कैन एक्चुअली सपोर्ट देम इन टर्म्स ऑफ यू नो एक्सटेंडिंग देयर इनिशिएटिव, जो उनको कैपेसिटी चाहिए, तो इन दोनों एरियाज को हम जो है वो एड्रेस करते हैं, और SMEs के साथ बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं कि उनको बिल्कुल जीरो से, बिकॉज एक बिल्कुल आइडिया से उसको जो है ना ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट एंड गेटिंग इट टू द शेल्फ, और इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, डाइवर्स नंबर ऑफ, पता नहीं आपने अगर नोटिस किया हो तो पिछले कितने ही दिनों से मैं बाबर के साथ जो प्रोग्राम किए, बाबर ने एक सर्टन फील्ड हॉर्टिकल्चर के बारे में बहुत सारी बात की, और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उनकी टाइज भी पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में रहते हैं, तो उनकी थोड़ी सी आई ओपनिंग हुई, क्योंकि ओवरऑल हमारे जो लोग हैं ज़्यादातर जो UK में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, एक मिथ सी बनी हुई है कि सारे प्रॉपर्टीज लेने में, प्लॉट्स लेने में इस तरह के चक्रों में पड़े रहते हैं, जिसका बाज दफ़ा बहुत सारी तो और कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, और उसके अलावा क्या नाम लेते हैं रिटर्न भी शायद कोई इतनी अच्छी नहीं होती, और स्पेशली जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जिस दिन से COVID-19 आया है तो इस वक्त पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो बड़ी अच्छी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, दे आर एक्चुअली लुकिंग कहीं और जाके, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है लेबर भी एक्सपेंसिव है और वैसे ही क्राइसिस आ रहा है, तो इनिशियली मुझे नजर आता है कि आने वाले 6 महीने साल में यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आएगी, तो उस सूरत में क्योंकि हम जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी, कम से कम क्योंकि हम ड्यूअल नेशनैलिटी हैं, तो हमारे जहन में है कि हमारे पास एक एज है, तो पॉसिबिलिटी भी है कि हमारे मुल्क में वैसे ही नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे ऐसे काम है जैसे बाबा ने लास्ट टाइम हॉर्टिकल्चर के बारे में कहा, तो किए जा सकते हैं, और फील्ड भी हमने फर्दर डाउन सोचा हुआ है कि उस पर बात करेंगे, आज तो आप एक्सपर्ट आदमी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को बता सकें कि पाकिस्तान में हर तरह की अपॉर्चुनिटी है और उसकी एक रिटर्न भी अच्छी होगी। कोई आपके जहन में कोई ऐसा मॉडल हो, आपने अगर किसी स्मॉल मीडियम को किया और उसका एक सक्सेस रेट अच्छा हो और उसकी रिटर्न भी अच्छी हो, थोड़ा सा अगर आपके ज़हन में है तो बेशक आप मेंशन कर दीजिए। ये जो जो जर्नी है ना इसका मैं थोड़ा सा जंप आगे करता हूँ, बिकॉज एंड बाबर नोज अबाउट इट कि हमने एक्चुअली जब ये स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स के साथ हमने काम किया, हमने जो है वो SMEs के साथ काम किया, और
इसी के साथ साथ पिछले 5-6 साल के अंदर वी ऑल नो कि डिजिटल की जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम इवॉल्व करती जा रही थी फ्रॉम अ मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट, और वो हम जितने प्लान करते थे उसके अंदर ये एक डिजिटल का जो एलिमेंट था वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। सो हमने फिर ये किया कि उसको कनेक्ट करने के लिए व्हाट वी डिड वाज दैट ओवर द लास्ट 4 or 5 years वी आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ कंप्लीट डिजिटल विंग विद इन आवर कंपनी। सो रिसोर्स एज नाउ हैज 2 wings, वन इज कंसल्टिंग विंग एंड द अदर इज डिजिटल विंग। सो देर आर वी हैव क्लाइंट्स वेयर वी जस्ट गिव देम कंसल्टिंग या उनको इसी तरह से बिजनेस लॉन्च करने में हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम हेल्प करते हैं बिजनेस लॉन्च करने में, पर उनको ऑब्वियसली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उनको जो सपोर्ट चाहिए होती है वो उनको फिर ऑनगोइंग बेसिस पे हम देते हैं। सो इस तरह से ये, और अब जो है विद कोविड कमिंग इन जो एक और जो चीज इवॉल्व हो रही है वो ये है कि जब दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो फिर आप आ जाते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो लॉट ऑफ बिजनेसेस आर गेटिंग यू नो ट्रांसफॉर्म कि वो उनको रियलाइज हुआ है कि यार इसको डिजिटल को हमें एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। सो वी आर एक्चुअली यू नो टुडे वी आर एक्चुअली डूइंग यू नो प्रोवाइडिंग दोज सर्विसेज इन एडिशन टू द कन्वेंशनल कैटेगरीज। हम जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज को बहुत सारी मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी सर्विसेज दे रहे हैं। वी आर वर्किंग विद अ कंपनी इन एग्रीटेक, वी आर वर्किंग विद अ एग्रीकल्चर ई कॉमर्स कंपनी, वी आर वर्किंग विद अ ट्रेवल टेक कंपनी विच इज यू नो एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिलीजियस पैकेजेस एंड अजय नुमरा पैकेजेस। तो हम जो है वो मोबिलिटी की जो है पैसेंजर सर्विसेज उस तरह की सर्विसेज पे जो है वो उनको कर रहे हैं। तो ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं बहुत तेजी से, और आई थिंक अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत है पाकिस्तान में। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए आई थिंक वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे इज अ फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट हैज अबाउट अ यंग पॉपुलेशन, क्योंकि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 30 ईयर। सो किसी भी तरह की बहुत सारी कैटेगरीज के लिए एक बड़ी राइट मार्केट है। लेकिन आपकी बजट नहीं है, आपको वो पूरी जर्नी बतानी पड़ेगी कि जब आपने ट्रांजिशन कर लिया तो उसके बाद किन किन फेजेस से और कितने साल हो गए, मतलब कितने सालों में आप यहाँ पहुंचे, तो जरा वो भी थोड़ा सा बताएं। फहीम साहब आप अपना सवाल भी साथ ही ऐड कर लीजिए। नहीं नहीं ठीक है, मेरा ओवरऑल मकसद यही था कि आप लोग बिल्कुल डेप्थ में बात करें, क्योंकि आज हमारी कोशिश तो यही है कि अफजल साहब को इंट्रोडक्ट कराया जाए कि इनकी एक्सपर्टीज क्या है। तो आप ठीक कर रहे हो, मैं थोड़ा सा एंक्शंस हो गया, मैं बीच में आ गया, हालांकि हमारा मकसद ये नेक्स्ट टाइम जो है मैं चाहता होता हूँ हमेशा कि जो हमारा व्यूज है वो समझ ले कि वो किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास बैठा हुआ है जिनके पास एक पूरा एक्सपोजर है, जिन्होंने ये सारा काम किया है, और ये वो लोग हैं जो आपको जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मदद भी कर सकते हैं और आपकी एक अच्छी रिटर्न हो सकती है। आपको ये ना हो कि अगर आप यहाँ से कोई पैसा लेके पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करता है और वहाँ पे गैर जरूरी लोगों के पास जाएं जिनके पास कोई एक्सपर्टी नहीं है, तो उल्टा आप डिसअपॉइंटेड होके आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरफ उसको मेरे जहन में आता है, इसलिए मैंने छेड़ दी। बिल्कुल आप अफजल साहब की जर्नी पूरी करें तो फिर आगे से चलते। जी अफजल भाई ठीक है, तो ये तकरीबन मैंने जो कंपनी सेटअप की दैट वाज डन अबाउट 10 इयर्स बैक, तो आई सेट इट अप इन 2010। तो नाउ अब इस साल हमारा मतलब डेकेड कंप्लीट हो गई, एंड वेरी ऑनेस्टली जो जब स्टार्ट हुई थी जर्नी, क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ी एज एन अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, बट आपको पता है वो यू नो having spent all my life in the corporate sector, वो एक आपको एक hesitation होती है, uncertainty जरूर होती है, so you know it was not easy, but the fact that you know I had you know about 8 to 10 months work with me when I started, that made things easy. और साथ साथ जो है वो जब मैंने शुरू किया था तो I gave myself 2 years, that you know I said I'll give it a shot for 2 years, because एक आपके अपने पर्सनल लाइफ गोल्स भी होते हैं कि यार यू वांट टू ट्राई समथिंग ऑन योर ओन, बिकॉज ऑल ऑफ अस व्हेन वी हैव बैड डेज इन द ऑफिस वी ऑलवेज थिंक कि यार ये अपना कुछ होना चाहिए। सो यू नो सो तो वो चीजें होती है, वो हर बंदा जो जॉब करता है वो इस बारे में सोचता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज वेरी लकी दैट यू नो आई गॉट सम अपॉर्चुनिटीज, तो मैंने उसको टैप करने का डिसाइड किया।
Or I gave myself 2 years. Okay, if it will not work out in 2 years, I can, you know, still go back to the corporate sector. So that was the initial plan. बट ये कि वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जो है वो एक अच्छा चीजें चलती गई. जब मैंने स्टार्ट किया था तो एंड बाबा नोज अबाउट दिस दैट यू नो आई एम आल्सो वेरी यू नो पैशनेट अबाउट ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग वाज आल्सो समथिंग दैट आई वांटेड टू डू. सो मैं शुरू में जो है वो एक ट्रेनिंग भी बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट था इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी वर डूइंग. सो इनिशियली आई यूज्ड टू आल्सो हैव दीज यू नो पब्लिक वर्कशॉप्स वेयर यू अनाउंस द the program and people enroll for it and all that. So wo cheeze bhi thi, but then I also kept doing, you know, very selective corporate clients ke liye in house cheeze bhi. So tailor made programs jo hai wo I used to do and I still do, but I've got into soft skills because there are many people who are doing it very well. So mera jo area hai wo obviously functional skills ka hai, business management ke, marketing ke, sales ke, digital marketing ke. So, over time, जो है वो बड़ा अब limited हो गया है कि I do it very selectively for very very you know the corporate clients के लिए generally करते हैं. और साथ साथ ये journey जो है वो evolve होती गई. इसमें जो एक चीज और जो add करना चाहूँगा वो ये था कि because when I was in the corporate sector working for Gillette, तो for the past for about 3.5 years I was handling all the South Asian market. तो ऑब्वियसली वहां जब काम किया था तो वहां का एक्सपीरियंस हो गया, उन मार्केट्स का पता चल गया था. तो जब काम मैंने अपना शुरू किया तो आई वाज यू नो वेरी लकी कि वहां से भी लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया एंड वी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स इन साउथ एशियन मार्केट्स आल्सो. सो वी हैड यू नो फॉर एग्जांपल यू नो कंपनीज इन बिग ग्रुप्स इन बांग्लादेश जिनके लिए हमने प्रोजेक्ट्स किए. वी वर्क विद अ वेरी बिग ग्लोबल ब्रांड डेल, उनके साथ हमने उनका एक इनिशिएटिव पूरे साउथ एशिया में हमने उनके साथ किया. सो ये चीजें इवॉल्व होती गई. सो वी नाउ हैव वेरी एक्टिव फुटप्रिंट इन द साउथ एशियन मार्केट्स आल्सो एंड उसके साथ साथ देन वी आर आल्सो केटरिंग टू क्लाइंट्स आउटसाइड पाकिस्तान. सो वी वर्क विद क्लाइंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन GCC और जो कि एक्चुअली यही करते हैं कि देयर नो लॉट ऑफ देम आर लुकिंग एट एंटरिंग इनटू पाकिस्तान. वी वर्किंग विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन नॉर्थ अमेरिका एज़ वेल. The real big opportunity because अगर आप देखें पिछले कुछ सालों के अंदर SMEs जो है ना ग्रोथ को भी ड्राइव जो है वो SMEs कर रही हैं and they have become very very you know forward looking and they are looking to you know expand. आपको और I think technology एक बहुत बड़ा catalyst है कि वो उसको अब जो reach जो पहले उसकी नहीं हो पाती थी उसको वो reach मिलना शुरू हो गई है. So alhamdulillah we also work with a lot of donor organizations, international development organizations जो के SMEs को support करती हैं. उनके थ्रू भी और उसके अलावा भी जो है वो हमने काफी मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम किया. FMCG के अंदर आई गिव यू एन एग्जांपल के एक प्रोजेक्ट पे हमने काम किया था दैट यू नो वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड इट वाज अ पर्सनल केयर ब्रांड व्हिच वी हेल्प टू काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुलाइज डेवलप द प्रोडक्ट डेवलप द और जो सारी जो आप बातें कर रहे थे डेवलपिंग द गो टू मार्केट स्ट्रक्चर डेवलपिंग द कैंपेन एंड देन launching it in the market. It's a tissues brand which is competing with some of the biggest brands in Pakistan. अगर हम इस तरह क्योंकि मुझे ये तो पता है मेरे मुझे मुझे जहां तक पता है जिन एरियाज में आपने मैंने आपस में इकट्ठे काम किए मुझे पता है आप पल्पिंग सेक्टर की एक्सपोर्ट मार्केटिंग के ऊपर आपने 5 SMEs को सपोर्ट किया था. वो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था. मुझे पता है आपकी डिस्कशन रहती थी तो आपने एक बुक की जो रिटेल ब्रांड है उसको भी आप हेल्प आउट कर रहे थे. मुझे पता है आपने ड्राइड मैंगोस के ऊपर की मार्केटिंग पे काम किया है. तो थोड़ा सा बताइए कौन कौन से सेक्टर्स हैं SMEs के, चंद बता दीजिए. डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आपको याद भी नहीं होगा. अल्हम्दुलिल्लाह काफी डिफरेंट सेक्टर्स पे हमने काम किया है जिसके अंदर ऑब्वियसली FMCG तो है ही. अगर हम SME के हवाले से बात करें तो वी हैव वर्क्ड ऑन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर,
वी हैव वर्क ऑन द लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर, वी हैव वर्क इन एग्री के अंदर, हमने काफी काम किया है. हमने ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज के साथ काम किया है, हमने जो है वो रेस्टोरेंट्स और होटल्स के साथ काम किया है, हमने जो है वो वी हैव हेल्प्ड बेकरीज के साथ जो यू नो हेल्पिंग, वी हैव जस्ट रिसेंटली actually worked on a brand जो कि एक प्रीमियम चॉकलेट्स का ब्रांड है और उसको हमने जीरो से कॉन्सेप्चुलाइज करके और उसको डेवलप किया और उसको मार्केट में हेल्प करने में लॉन्च की एंड नाउ वी आर हेल्पिंग देम विद देयर डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव्स. तो इस तरह की चीजें लाइट इंजीनियरिंग में क्या है जी, लाइट इंजीनियरिंग लाइट इंजीनियरिंग में वी आर वर्किंग विद अ नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स सप्लायर्स, तो वो भी अब सारे जो है वो ऑब्वियसली यू नो दे आर डेवलपिंग themselves, उनकी कम्युनिकेशन डेवलप करने में, उनकी स्ट्रेटेजी डेवलप करने में, उनका जो है वो a lot of them are want to export to international markets, तो उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट काफी एक्सपोर्ट होता है स्पेशली टू अफ्रीका, तो उसके अंदर वो उनको हम हेल्प कर रहे हैं. इसी तरह से जो है वो we work with a lot of women led businesses, so ये भी एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है एंड मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर. फैशन के अंदर हमने काम किया है वुमेन लेड बिजनेसेस के साथ, हमने जो है वो लेदर के अंदर काम किया है, सो सो वी हैव वर्क विद ऑन वुमेन लेड बिजनेसेस आल्सो इन मेनी डिफरेंट एरिया. सो इसके बाबत मैं एक बात करूंगा जो अब्दुल भाई बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनकी इतनी पुराना एक्सपीरियंस है, इतनी देर से ये काम कर रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो ओवरऑल बहुत सारे लोगों की नज़रों में नहीं है, जैसे हमने बात की, जैसे ये जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी की एक बड़ी ही अच्छी इन्वायरमेंट है. वैसे भी गवर्नमेंट को पैसों की भी ज़रूरत है और गवर्नमेंट जितने भी ओवरसीज इन्वेस्टर हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ हमें कोशिश यह है कि उनको थोड़ा सा लाइट दिखाई जाए कि भाई हर तरह के काम वहाँ पे हो रहे हैं और उसकी रिटर्न भी अच्छी है, उसी पर हम आ रहे थे. मेरा एक सवाल आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों प्रोफेशनल हैं और मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से लूँगा कि मेरे बहुत सारे क्योंकि मैं वैसे पॉलिटिकल आदमी हूँ तो हमारी पॉलिटिकल डिस्कशन किसी न किसी बात पे होती रहती है, तो होता यह था कि जब हम पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे तो ज़्यादातर जो फुली पॉलिटिकली अवेयर होते हैं चीज़ों को तो उनके साथ हम डिस्कशन करते थे, तो कोई ऐसा जो बंदा जिसको पॉलिटिक्स के बारे में या ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में नहीं पता, तो हमारे अक्सर लोग उसे कहते हैं यार इसके साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसको तो समझ ही नहीं आनी. ठीक है, तो होता यह है कि आपने सारी जिंदगी, आप दोनों एक्सपर्ट हो, आपने बड़ी मल्टीनेशनल के साथ काम किया, अब आपके पास अगर बिल्कुल लेमैन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए जगह बनानी पड़ती है. तो मैं अक्सर अपने साथी को कहता था कि भाई आप बिल्कुल इंटेलेक्चुअल हैं, कोई कोई लॉर्ड मेयर है, कोई जो भी है, लेकिन आप पब्लिक में नहीं है, आप शायद बड़े सर्कल में हैं लेकिन जहाँ पे लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन नहीं है, और यही वजह है कि आप जितने मर्जी इंटेलेक्चुअल हों आपकी बात उनके पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि आपको थोड़ा सा नीचे उतर के उनको एजुकेट करके अपने साथ लेके जाना है. और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, वर्सटाइलिटी भी बहुत है, सिर्फ उनको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देनी है, इसीलिए मैं इस तरह की बात करता हूँ. तो मैं ये कह रहा था कि दोबारा उस पर आ जाता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो यूके में हैं जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जाके वहाँ पे प्लाट्स ले लेते हैं, 20-30-40 लाख 50 लाख प्लाटों में लगा लेते हैं या 1-2 करोड़ का घर खरीद लेते हैं और वो खाली पड़ा होता है, तो उनको यही होता है कि मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी रिटर्न मिलेगी, जबकि वो उससे कम की इन्वेस्टमेंट करके शायद उससे बेटर रिटर्न ले सकें. तो मैं तो यही इनकरेज करता हूँ लोगों को एजुकेट के, भाई पैसा डेड नहीं करो, जाके लगाओ. एक तो आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आप अपने जारी बात है जब वहां पे जाते हैं तो वहाँ कहीं ना किसी जगह से वो ताल्लुक रखते हैं, तो मेरी कोशिश है कि उनको थोड़ी सी लाइट दिखाई जाए, तो बेशक उसकी तरफ भी
थोड़ा सा आज मैंने सवाल इसलिए किया है कि आप दो प्रोफेशनल आदमी हो, मैं टोटली नॉन प्रोफेशनल हूँ, तो बार दफा कुछ बातें जो उनसे आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं, मुझे शायद पल्ले भी ना पड़े, तो उसको दिल में रखे चलिए। नहीं, आई थिंक वो बिल्कुल इसी तरह ही करते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ, अफजल आप मुझे करेक्ट करते जाइए कि जो बातें आपने की हैं मैं उनको रैप अप कर सकूँ आसानी आसान लैंग्वेज में, और जहाँ जहाँ मैं कमी रह जाए आप काइंडली उसको फिल कीजिए। तो आपने जो पीछे बताया दो बुनियादी चीज़ें आपने शेयर की कि एक तो ये कि मार्केटिंग जो है उसमें रिसर्च भी शामिल है, स्ट्रेटजी बिल्डिंग भी शामिल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट भी शामिल है, यानी कि स्ट्रेटजी बना ली, पहले पता किया रिसर्च में कि कस्टमर को चाहिए क्या है, छोटे बिजनेस को भी ये चीज़ की ज़रूरत है, बड़े बिजनेस को भी ये चीज़ की ज़रूरत है, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी बनाई कि जी करना कैसे है। जब वो सॉरी मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा, जो यही पे मिस्टेक होती है, करना कैसे है बाद में आएगा, पहले ही करना क्या है, करना क्या है फिर कैसे करना। फिर हमने स्ट्रेटजी बना ली, अगले स्टेप पे उस स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन में आपने उसको एडवर्टाइजमेंट करने में हेल्प की, ब्रांडिंग करने में हेल्प की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो आपका अपना एक विंग अलहदा से चल रहा है कि अगर भी किसी ने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, छोटे बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सूट करती है कि ये जरा सस्ती होती है, तो इन कंपैरिजन टू जो ये बड़े बड़े टीवी पे एड्स लाए और वो, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अफोर्डेबल होती है, तो छोटे बिजनेस को तो के लिए तो अक्सर रास्ता ये रह जाता है, ना वो अखबारों में इश्तहार दे सकते हैं, ना वो जो है वो मीडिया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में होता ये कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा लेके आना है, ये छोटे बिजनेस के लिए भी उतना ही रेलिवेंट है, बड़े बिजनेस के लिए भी उतना रेलिवेंट है। तो ये सारी बातें आपने बताई कि जी ये वो सारी चीज़ें जो आप करते हैं स्मॉल एंड मीडियम कॉर्पोरेट के लिए, तो आपने कर दी जो आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा था शुरू में, अब आप ये सारी कॉर्पोरेट्स के लिए भी अभी भी करते हैं, उसका स्केल मुख्तलिफ होता है, उसकी अप्रोच मुख्तलिफ होती है, बट द सेम थिंग गोज फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आल्सो। बिल्कुल। सो जो बिजनेसमैन दुनिया में पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान से बाहर से आए और वो अपनी प्रोडक्शन का प्लांट लगा दे और उसको पता ना हो कि कैसे मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से उसको मंडियों तक पहुंचाना है, पाकिस्तान खासतौर पर इंटरनेशनल हमारे लोगों को जो 20-20 सालों से बाहर बैठे हैं उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, तो वो आपकी हेल्प ले सकते हैं अपनी मार्केटिंग को की रिसर्च करने के लिए भी, स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। फिर आपने हमें दूसरी स्टेज पर ये बताया कि SMEs के साथ जो आपने काम किया है उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी शामिल है, यानी कि आपके तजर्बे में रेस्टोरेंट्स भी हैं, उसके अलावा फूड सेक्टर के सारे सेगमेंट्स भी शामिल हैं, हमने हॉर्टिकल्चर पर बहुत बात की, तो आपके एक्सपीरियंस में आपने बहुत सारे फूड बिजनेसेस को भी हेल्प किया। इंजीनियरिंग में आपने बताया कि जी ये हल वगैरह बनाने की, ये जो मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के हल होते हैं, बाकी चीज़ें टूल्स होते हैं वो बनाने की जो कंपनियां उनको आपने एक्सपोर्ट मार्केटिंग में जो है हेल्प आउट किया। फिर आपने बताया कि आप रिटेल ब्रांड्स को भी हेल्प करते रहे, वुमेन ओन एंटरप्राइज को भी हेल्प करते रहे, तो जहाँ पे एक तरफ तमाम तर मार्केटिंग की सर्विसेज आप डिलीवर करते हैं, वहाँ पे आपने एक बहुत बड़े सेक्टर मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर्स को कैटर किया हुआ है और एक ब्रॉड बेस जो है वो आपका एक्सपीरियंस SMEs के साथ काम करने का है। तो ये मैंने आपकी जो अब तक की सारी समरी है वो प्रेजेंट किया, प्लीज इसमें अगर कोई गैप रह गया है तो वो जरूर उसको फिल कीजिए। यानी वो अफजल साहब की मेहर में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, जैसे ही आएंगे तो हम उनको दोबारा ले आएंगे। नहीं बिल्कुल जबरदस्त, क्योंकि आज हमारे पास अफजल साहब शहाबुद्दीन, अफजल शहाबुद्दीन साहब जैसे एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, तो हमारा मकसद यही था कि जो उनकी एक्सपर्टीज है, हमारे ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी हैं कल को अगर वो जाना वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इस तरह के लोग उनको गाइडलाइन दे दें या ऐसे कंसल्टेंट भी इनको हायर किया जा सकता है। ऑब्वियसली वो अगले प्रोग्रामों में भी हम करेंगे, मेरे ख्याल में उनकी कुछ टेक्निकल इशू है, मेरे ख्याल में फ़ोन में गड़बड़ है। तो बाबर बड़ी ज़बरदस्त, अफजल साहब अभी जैसे अगर आते हैं तो उनको हम लेके आते हैं, उतनी देर तक हम ही प्रोग्राम को कैरी करते हैं। प्रोग्राम का वैसे भी टाइम हम तकरीबन पीछे 10 मिनट ही रह गए हैं, तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है, और जो अगर आपको याद हो तो पीछे हमने जिस जगह पर मैं लेके जाना चाहता था वो ये था,
कि आपने बिल्कुल हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया और मुझे उसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की पोजीशन लगी। और अगर अफजल साहब जैसे या आप जैसे लोग या जैसे आपने पिछले दिन हरीफा आजम जो आई थी माशाल्लाह उनकी भी एक्सपर्टी है, तो ये लोग जो है एक तरह से चंद्र की तरह लाइट की तरह नजर आते हैं कि हाँ इस तरह के काम किए जा सकते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी काम करना भी चाहते हैं और मतलब इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में अब्दुल भाई आगे इनको मैं शामिल कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं, टेक्निकल चीजें होती रहती हैं। अफजल मैंने आपकी गैर मौजूदगी में किया ये है कि अब तक की जो डिस्कशन है उसमें एक तरफ ये चीज पूरी समराइज कर दी है कि आप मार्केटिंग की तमाम डोमेन्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो रिसर्च हो, वो स्ट्रेटजी बिल्डिंग हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हो, सेल्स मैनेजमेंट हो, ब्रांड बिल्डिंग हो, ये सब चीज़ें जो है इसमें आप एक्सपर्टीज रखते हैं और मुख्तलिफ क्लाइंट को इसमें सपोर्ट देते रहते हैं। उसके अलावा मैंने वो सारे फैक्टर्स को समराइज किया जहाँ पे आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को हेल्प किया हुआ, जिसमें फूड इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है, एग्रीकल्चर है, वुमन ओन्ड बिजनेसेस है, रिटेल ब्रांड्स हैं। तो ये एक तरह का आपकी जो अब तक की हमने बात है उसको एक तरह से समराइज किया है। यहाँ पे मैं दो चीजें जरूर कहना चाहता हूँ कि अफजल को प्लीज आप देखें, दो अफजल को लाने के यहाँ पे दो मकसद है। एक मकसद तो ये है कि एक इंसान ने अपनी कॉर्पोरेट की एक बहुत हाई प्रोफाइल जॉब को छोड़ के पाकिस्तान में बिजनेस करने का फैसला किया और कामयाबी से वो बिजनेस को एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे हमारे सामने, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे हमारे सामने, क्योंकि आप खुद भी एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर है, ये बिजनेस जो आपका है ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी है, तो एक सक्सेस स्टोरी भी है आप लोगों के लिए देखने के लिए, एनकरेजमेंट हासिल करने के लिए कि देखें एक एसएमई एक कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ के एसएमई बना जा सकता है। और दूसरी तरफ ये कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को एसएमई को सपोर्ट चाहिए है और वो खुद अपने बड़े बड़े मार्केटिंग मैनेजर्स नहीं रख सकता, तो आप ऑन रेंटल चार्जेज ऑन फीस जो है वो एक कंसल्टेंट को उस खर्चे से बहुत कम खर्चे में और उस काबिलियत से बहुत ज़्यादा काबिलियत वाले कंसल्टेंट को रख सकते हैं जो आपको फिर वो मार्केटिंग के बहुत सारे मसले आपके हल कर देंगे। क्योंकि बिजनेस की कामयाबी जो है उसके दो ही एस्पेक्ट होते हैं, अच्छी प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्शन को मैनेज करना, और दूसरी तरफ ये कि वो बिके सही। तो जो उसका मार्केटिंग का एस्पेक्ट है, उसको बेचने का एस्पेक्ट है, उसकी महारत तमाम तर आपके पास मौजूद है और आप वो लोगों को प्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा कमेंट करना चाहें तो वो कर लीजिए, उसके बाद देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट के जी कॉर्पोरेट सेक्टर की मार्केटिंग और एसएमई सेक्टर की मार्केटिंग में फर्क होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स एंड यस आई थिंक अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड के इस जो हमने सोचा था उसको आई कुड यू नो एग्जीक्यूट इट आल्सो इट एक्चुअली बिकेम अ रियलिटी। और ये कि दो चीजें मैं ऐड करूंगा कि थोड़ा सा जो फोकस है ना वो अब जो है हम जो है वो सिर्फ मार्केटिंग पे नहीं है, तो वी लुक एट बिल्डिंग अ बिजनेस स्ट्रेटजी सो दैट सस्टेनेबल बिजनेस कैसे वो किया जाए। तो वी ऑल्सो हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द पीएनएल कि यार आपने अपना पीएनएल कैसे मैनेज करना है। सो इट्स नॉट जस्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग कंसल्टिंग, इट्स बिजनेस कंसल्टिंग। So we actually give them overall business consulting care, overall business को कैसे लेके चलना है, इसके अंदर दूसरे जो है functions भी आ जाते हैं। जी PNL को explain कर दीजिए, PNL के तो जो हम आमतौर पे terms use कर लेते हैं लेकिन हो सकते हैं लोगों को इसका मतलब पता ना। जी PNL is basically profit and loss statement कि जब आप एक business करते हैं तो आप basically you do it to make a profit, तो उसमें आप जो है वो कोशिश आपकी ये होती है कि आप उसमें जो है वो कुछ अर्न करें, तो इसलिए अपनी बिजनेस की बेसिक्स को जो है वो ठीक से मैनेज करना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि आपकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, ठीक है। सो जिस प्राइस पे आप बेचते हैं प्रोडक्ट उसमें से अगर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दें आपका ग्रॉस मार्जिन निकल के आता है, तो यू हैव टू हैव अ हेल्दी ग्रॉस मार्जिन जिससे फिर आप अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं। तो अपनी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करना बड़ा जरूरी है। सो अब आप सिर्फ मार्केटिंग की नहीं बल्कि पूरी बिजनेस की को सपोर्ट और कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं। अब जब थोड़ा सा आई थिंक लेट्स मूव ऑन क्योंकि टाइम भी प्रोग्राम का मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट ही रह गए, तो अब हम अभी को ये सारा टाइम देते हैं कि आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए इन डेप्थ जाके
कि कॉर्पोरेट की मार्केटिंग में और एसएमई की मार्केटिंग में फर्क क्या क्या होता है? एक तो हमें फर्क पता है कि पैसे उनके पास ज्यादा होते हैं, इनके पास कम होते हैं, एक्सपर्ट्स उनके पास ज्यादा होते हैं, इनके पास कम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इससे एक लेवल ऊपर जाके हमें बता सकें वो रिसर्च के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, कि फर्क कहाँ कहाँ जाके होता है और आपके एक्सपीरियंस से, ताकि हम थोड़ा सा लर्न कर सकें। देखें बाबर, अगर आप इसको अगर पीछे जाए ना, तो कोई भी कॉर्पोरेट आप ले लें दुनिया का, इट हैज नॉट स्टार्टेड, व्हाट वेरी फ्यू हैव स्टार्टेड एज अ कॉर्पोरेट, ठीक है, वो एज अ स्मॉल बिजनेस ही स्टार्ट होते हैं। चाहे आप कोका कोला को ले लें, चाहे आप एप्पल को ले लें, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लें, ठीक है, तो ये बिजनेसेस छोटे बिजनेस के तौर पर होते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक असल चीज ये है कि आप अप्रोच सेम रख सकते हैं, ठीक है, उनके उनके बजट्स बड़े होते हैं लेकिन उनके नंबर्स भी बड़े होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं जो कि स्मॉल बिजनेस के तौर पे स्टार्ट हुए, कंपनीज लाइक शान, कंपनीज लाइक टपाल, कंपनीज लाइक नेशनल, जो कि स्मॉल स्केल से उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन टुडे वो कॉर्पोरेट्स के साथ कम्पीट करते हैं, दे आर अ कॉर्पोरेट एंटिटी। तो आई थिंक उसमें जो अगर आप, लेकिन जो आपके जो सवाल का जिस्ट है उसकी तरफ जाएं, तो आई थिंक सबसे पहला जो फर्क हमें नजर आता है वो ये होता है कि कॉर्पोरेट्स ओवरऑल यू नो इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स, तो उनकी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है, उनके पास लोग होते हैं जो कि अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ऑब्वियसली एक्सपोजर के साथ आते हैं, अगर उनको फ्रेश भी लेते हैं तो ये कॉर्पोरेट जो है वो अच्छी इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, उनको डेवलप करते हैं। सो एसएमईज में वो चीज है लेकिन अभी उतनी नहीं है, ठीक है। आई थिंक जो दूसरी जो बड़ी डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये है कि जो एसएमई की कैपेसिटी टू इन्वेस्टमेंट एंड और ऑल्सो विलिंगनेस टू वेट, बिकॉज थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ता है, क्विक रिजल्ट्स आप चाहेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। अच्छा अफजल, मैं हम बहुत सारी क्लाइंट्स से काम इकट्ठे करते रहे, तो मैं थोड़ा सा स्टेप लेता हूँ एक बैकवर्ड। मिसाल के तौर पे कोका कोला है, उसने कंज्यूमर के किसी ट्रेंड को स्टडी करना है, तो वो लोग तो एसी न्यूसन को हायर करेंगे और 5,000 कंज्यूमर का रिसर्च प्रोजेक्ट कमीशन कर लेंगे, और वो बड़ा एक्सटेंसिव, वो अरबों रुपए खर्च करेंगे, और वो जो उनको रिजल्ट चाहिए है कि जी उनकी बोतल इस साइज की होनी चाहिए या इस साइज की होनी चाहिए, उसका लेबल इस तरह का होना चाहिए या इस तरह का होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। हम इस चीज से वाकिफ हैं कि स्मॉल एंड मीडियम साइज की जब कंपनियां थी तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं थी, और हम रिसर्च के जरा रिलेटिवली सिंपल टूल्स इस्तेमाल करते थे, जिनमें से कुछ का आपने पहले जिक्र भी किया। तो जरा थोड़ा सा इस लेवल पे आके बताइए कि रिसर्च में, स्ट्रेटजी में कहाँ कहाँ जो है वो ट्विकिंग की जाती है, और वो बड़े बड़े बजट की बजाय सिंपल टेक्निक्स के साथ आप चीजों को मैनेज कर लेते, थोड़ा सा ग्रीन कट जाना चाहिए। देखिए असल चीज ये होती है कि आपको तो फील करनी है पल्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। ऑब्वियसली एक बड़ा कॉर्पोरेट ब्रांड होगा, उसको एक स्केल चाहिए और वो एक बड़ी कंपनीज के पास जा सकता है, ठीक है। एसएमईज भी, लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम जब एसएमईज की बात करते हैं ना, तो एसएमईज बहुत छोटी भी होती है, बट टेक्निकली जो एसएमई की डेफिनेशन है वो ये है कि यू नो टर्नओवर अप टू 800 मिलियन रुपीज इन पाकिस्तान, एससीसीपी की डेफिनेशन है। तो 80 करोड़ की जो कंपनी है वो इतनी छोटी भी नहीं होती, ठीक है। सो जहां उसकी बिजनेस के रिजल्ट्स है, उसके अंदर जहां उसे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, आई थिंक वो अगर करे तो उसको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, बिकॉज आप बहुत सारा जो है ना वो पैसा गलत जगह लगाने से बच जाते हैं, ठीक है। सो उसमें हम यही करते हैं दैट यू नो वी हैव सॉल्यूशंस, जिसमें मुख्तलिफ टाइप की आप जो है ना वो इनसाइट्स कंपनीज के लिए जनरेट करके देते हैं एट डिफरेंट स्केल्स, तो वो हम मैनेज कर देते हैं, वो डिफरेंट लेवल पे होता है। सो यू नो वो बहुत बेसिक लेवल पे भी किया जाता है, कुछ हमारे यहाँ ये होता है, हमारे पास कुछ वैसे भी मुख्तलिफ कैटेगरीज की अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उसको अप्लाई करते हैं और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर जो है ना वो मार्केट से एक स्मॉल स्केल रिसर्च करके उस पर एक रियलिटी चेक उसके ऊपर जो है ना वो हम लगा लेते हैं। तो बजाय इसके कि 5-5 हज़ार लोगों का सर्वे किया जाए, आप ये करते हैं कि एक छोटा सैंपल साइज लेके उसको पर्सनल विजिट्स के थ्रू, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, 1-to-1 बेसिस पे 100-200 लोगों से इंटरेक्ट करके वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जो कि रिलेटिवली सस्ता पड़ता है इन कंपेरिजन टू बड़े बड़े सर्वे। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑब्वियसली यू नो द बिगर योर सैंपल साइज, तो उतना ही आपकी रिजल्ट्स की एक्यूरेसी होती है, ठीक है। बहुत आप बड़े स्केल पे अगर प्रोग्राम पर कोई
कोई लॉन्च कर रहे हैं तो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि टू गो रॉन्ग, सो इट्स बेटर दैट आप वो अप्रोच लेकर चलें. लेकिन अगर आई मीन अ स्मॉल रिसर्च इज बेटर देन नो रिसर्च, लेट्स पुट इट दिस वे. सो आई थिंक उसको एटलीस्ट अप्रोच करना जरूरी है, एटलीस्ट टू गेट योर फील इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट द कंज्यूमर्स आर थिंकिंग एंड यू नो व्हाट इज योर यू नो मार्केट, क्या आपके प्रोडक्ट के बारे में कह रही है. सो कंपनी के साइज को देखते हुए वो लार्ज है, वो मीडियम है, वो स्मॉल है, हम अपने आप को ट्वीट कर लेते हैं रिसर्च के हवाले से कि कितनी एक्सपेंसिव रिसर्च करनी है, किस किस्म की टेक्निक अप्लाई करनी है. अगर वो वही स्ट्रेटजी की तरफ आए तो वो उस पर भी कुछ बताएं कि किस किस्म की ऑप्शन जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं और किस किस्म की ऑप्शन जो है वो बड़े बिजनेस, तो वहाँ पर क्या डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई थिंक जो एक्चुअली द प्रोसेस जो है वो तो सेम है, ठीक है, जो फर्क है वो स्केल का है, ठीक है. सो आपका ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट्स से आप छोटा एक एसएमई है, ठीक है, आप इनिशियली कराची में बेचना चाहते हैं, ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेज में जो है पूरे पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फेजेस में होगी चीज और उसकी आपकी एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है. एक कॉर्पोरेट है दे वुड वॉन्ट टू लॉन्च नेशनली, ठीक है, उसके लिए जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है वो करने को तैयार है, ठीक है. सो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अप्रोच जो है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. हाँ ये है कि आपकी ऑब्वियसली फेज वाइज इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जो मैं एफएमसीजी ब्रांड की बात कर रहा था, हमने उसको लॉन्च किया 2-3 years बैक एंड वी स्टार्टेड केयर, हम पहले अपनी प्रोडक्ट को भी ठीक कर रहे हैं थोड़ा सा और जो है मार्केट को टेस्ट कर लें, तो वी लॉन्च इन द कराची मार्केट, ठीक है, एंड नाउ वी आर टेकिंग दैट ब्रांड नेशनली, ठीक है. तो उसको आप जो है ना उसके लिए आपको इमीडिएटली आपको पता है कि आपको एक होल्डिंग पावर भी थोड़ा सा होना चाहिए, दैट यू नो आप कहते हैं कि यार उसके रिटर्न्स 3-6 महीने के बाद आएंगे, तो वो होल्डिंग पावर ऑब्वियसली चाहिए होता है. सो हम ये कह रहे हैं कि जब हमने छोटी मार्केट पे फोकस किया, सिर्फ लेट से सिर्फ कराची के ऊपर फोकस कर दिया, तो वहां पे बजाय इसके कि नेशनल अखबार में खबर देने की बजाय आप सिर्फ उस अखबार में दें जो कराची में पढ़ा जाता है, अगर आपने एक एडवर्टीजमेंट टीवी पे नहीं करनी है तो वो डिजिटल मीडिया के थ्रू उन कंज्यूमर तक फोकस कर दे जो सिर्फ कराची में, क्योंकि डिजिटल मीडिया में ये भी बड़ा फायदा होता है कि आप ये बता सकते हैं कि ये वाला इश्तिहार सिर्फ कराची के व्यूअर्स को नजर आए, जिससे आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है इन कंपेरिजन टू तो सारे पाकिस्तान में आप टीवी पे उसको चलाना चाहें, तो इस किस्म की चीजें करके आप कॉस्ट कटिंग करते हैं और थोड़ा सा उसका स्कोप लिमिट कर देते हैं. Absolutely. आप for example, आपकी distribution कराची के अंदर है, तो there is no point in going on a satellite channel because आपकी उसकी cost होगी, ठीक है, and आप ready नहीं है, वो demand create करेगा, मतलब देखे ना consumer तो वो ads देखेगा और दुकान में जाके जो है वो product मांगेगा, ठीक है, अगर वो नहीं है तो आपके लिए तो मतलब ये एक वो आपके लिए जो है आपकी goodwill खराब ही होगी basically उसके अंदर, so you know you need to tailor your strategies accordingly. बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि एसएमई की स्ट्रेटजी में और कॉर्पोरेट की स्ट्रेटजी में फर्क स्प्रेड का और स्केल का है, बाकी चीजें प्रिंसिपल बुनियादी तौर पर वही अप्लाई होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी. जी सॉरी, हाँ मेरे ख्याल में इसी तरह की बात में थोड़ा सा, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया, इंशाल्लाह अफजल भाई को नेक्स्ट भी लेके आएंगे. बिल्कुल मैं आपकी बातों से जो मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड ही करने जा रहा हूँ, जैसे भी आपने आखिर में जिक्र किया कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने जाता है उसकी एक साइजिंग भी है ना, वो कितनी प्रोडक्ट बना सकता है उसके हिसाब से वो मार्केटिंग करेगा, और अगर वो मिसाल के तौर पे अगर एक इलाके में सर्व कर सकता है तो बना वो इतना रहा है, तो इसलिए वो मैं समझ गया हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू आपकी अपनी कैपेसिटी क्या है और आप कहाँ तक उसको रीच कर सकते हैं. अगर आप ओवर मार्केटिंग करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप अगर कस्टमर को चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि आपने अपना पैसा ज़ाया किया इस इन्वेस्टमेंट. सो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल इसी तरह की बात है. बातें आप लोगों की क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल लोग हैं तो आप डिटेल में चले जाते हैं और अच्छी बात है, वो डिटेल में भी होना चाहिए. मैं आपकी गुफ्तगू और भी सुन सकता था और भी पॉइंट ले सकता था. हम कोशिश यही करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अफजल साहब को फिर दोबारा लेंगे. तो आज हम अपने व्यूअर्स से इजाजत लेते हैं, आखिर में आप अपने जो भी कंक्लूड करना तो कीजिए और मेरे ख्याल में इस पर ही हम प्रोग्राम को एंड करते हैं.
जी अफजल आप अफजल भाई आप कुछ कहना चाहते हैं कुछ नहीं आई थिंक पावर प्लीज गो अहेड नहीं मैंने तो अपना लास्ट पॉइंट दे दिया है आप काइंडली प्लीज आप अच्छा नहीं आई थिंक थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी ओवर आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन और आई थिंक बाबर ने और फहीम साहब ने आपने बड़ा इसको मतलब इफेक्टिवली चैनलाइज किया सो वी वर एबल टू हैव अ वेरी गुड डिस्कशन आई थिंक बॉटम लाइन ये है कि एसएमईज की अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट के अंदर नॉट ओनली फॉर पीपल हु आर इन पाकिस्तान बट ऑल्सो फॉर दोज हु आर यू नो लुकिंग एट पाकिस्तान एज अ इन्वेस्टमेंट ग्राउंड और आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर सच इनिशिएटिव And once again, thank you so much for to all of you and khuda hafiz to all the viewers. Thank you very much, sir. We will see you in the next program. This is Ram. Kisi expert ke saath. Hopefully next time bhi hum Azizuddin bhai ko leke aayenge. So inshallah, khuda hafiz.